हेलो फ्रेंड्स, ये आप देख रहे हो एलईडी के जो कैबिनेट हैं 500x500 mm का, इनको हमने क्लब कर दिया है। और क्लब करने के लिए हिंज होते हैं, और पीछे आप देख रहे हो ये MS का सपोर्ट प्रोवाइड हमने किया है। और इनको पकड़ने के लिए आप देख रहे हो ग्रीन कलर में हैंडल्स हैं। अब आप देखिए, इसमें हमने डाटा केबल्स हैं, इसमें दो होता है, एक तो पावर केबल होता है, एक डाटा केबल होता है। अभी हमने डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया एक से दूसरे में, और फिर पावर केबल को कनेक्ट कर दिया एक से दूसरे में। ये आप पावर केबल देख रहे हो, और ये लूपिंग में कनेक्ट करते हैं। लूपिंग का मतलब आप एक का जो पहली, जैसे मान लीजिए कैबिनेट है, उसका जो आउटपुट है वो सेकंड के इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा, और सेकंड का आउटपुट है वो थर्ड के इनपुट से कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आपका पावर केबल और डाटा केबल दोनों कनेक्ट करते हैं। इसमें हम लूपिंग करते हैं, और लूपिंग करने का मतलब ये है कि आप लेफ़्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, बॉटम टू अप भी कर सकते हैं, अप टू बॉटम भी कर सकते हैं, लेकिन करना लूपिंग में ही है। लूपिंग का मतलब वही है, पहले का आउट, दूसरे का इन, दूसरे का आउट, तीसरे का इन। ये आप देख रहे हो फ्रंट पोर्शन है एलईडी का, इस तरह से फ्रंट से आपको एलईडी दिखती है। वो पीछे बैक पोर्शन आपने देखा था, ये बैक पोर्शन आप दोबारा से देख रहे हैं। अब हमने एलईडी का जो फर्स्ट कैबिनेट है उसको हम कनेक्ट कर देंगे पावर से। आप देखिए इसमें पावर आ रहा है, लाइट ब्लिंक कर रही है। ये पावर आ चुका है सारी कैबिनेट में, और पावर आपको देना है एक जगह, उस एक जगह से आपका पावर सारी कैबिनेट में ट्रांसमिट हो जाएगा थ्रू लूपिंग। ये आप पावर कैबिनेट केबल्स देख रहे हो, यहाँ पे जो ग्रीन कलर का है पावर केबल्स है, ग्रीन या ब्लू कलर है। और अब हमने क्या किया है, अब आगे आप देखिए इसका जो प्रोसेसर है, एलईडी का जो प्रोसेसर है उसको कनेक्ट कर दिया है, उसकी डाटा केबल को कनेक्ट कर दिया है, आपका एलईडी प्रोसेसर और लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। बेसिकली लैपटॉप का इनपुट जाएगा एलईडी के प्रोसेसर में, और एलईडी का प्रोसेसर का जो इनपुट है वो जाएगा आपका एलईडी वॉल की जो स्क्रीन है उस पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एलईडी को कनेक्ट किया है, ये HDMI केबल है, इस HDMI केबल को लैपटॉप से हमने कनेक्ट कर दिया है, कहाँ पर प्रोसेसर में, लैपटॉप का इनपुट दे दिया ये मिल गया एलईडी के प्रोसेसर में। आप यहाँ आगे देख रहे हो एलईडी के कॉल लगे हुए हैं, और इधर एक्सट्रीम में आप देखोगे यूएसबी केबल लगा हुआ है, ये यहाँ पे मैंने दिखाया है। ये यूएसबी केबल भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एलईडी के प्रोसेसर से, क्योंकि उसका हार्डवेयर एलईडी का तभी शो करेगा जब आप एलईडी के प्रोसेसर को कनेक्ट करोगे लैपटॉप से। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये पावर पॉट है यहाँ पे, ये आपने कनेक्ट कर दिया है एलईडी की यूएसबी केबल है। ये आप फ्रंट से किस तरह से दिखता है एलईडी, उस तरह का आपको देख पा रहे हैं। और इसमें लूपिंग वगैरह करनी पड़ती है, उसको हम अगले वीडियो में देख सकते हैं।